हेलो डियर व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए छोटे से छोटे, सिंपल से सिंपल बट मैक्सिमम यूज करने वाले, मैक्सिमम इम्प्रेस करने वाले स्पीकिंग इंग्लिश के सेंटेंसेस। सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम डेली यूज स्पीकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड इम्प्रेस द वर्ल्ड। सो व्यूअर्स, हमारे ये डेली यूज आने वाले सेंटेंसेस हैं, उनकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। अब है समय बर्बाद ना करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सिंपल। मुझे ये किताब चाहिए, आई वॉन्ट दिस बुक। अब हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। मुझे ये पर्स चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्स। मुझे मनी चाहिए, आई वॉन्ट दिस मनी। एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर। पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस। एम्बुलेंस बुलाओ, कॉल द एम्बुलेंस। ठीक है ना, तो ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से और भी चीजें बना सकते हो। अभ्यास करो, डू प्रैक्टिस। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो गई है, आई एम लेट फॉर ऑफिस। आप कहीं भी जाने के लिए बोल सकते हो। मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो गई है, आई एम लेट फॉर स्कूल, आई एम लेट फॉर कॉलेज। ठीक है, नंगे पांव मत चलो, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। ठीक है, आपने किसी भी चीज के लिए रोकना है, यहाँ पे भी डू नॉट आ गया, यहाँ पे भी डू नॉट आ गया। ठीक है, बेयर नंगे और फुटेड पाम। नेक्स्ट है, आमिर खान मेरे मनपसंद एक्टर हैं। आमिर खान इज माय फेवरेट एक्टर। तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सलमान खान इज माय फेवरेट एक्टर, करीना कपूर इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। सो मैनी यू कैन आस्क फॉर। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्लियर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। तो बहुत सारी चीजें हमें दिलचस्प लगती हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हमें सीरियल भी कोई इंटरेस्टिंग लगता है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सीरियल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, यू कैन यूज इट वेर एवर यू वॉन्ट। मेहनत करो, वर्क हार्ड। कितना छोटा सा सेंटेंस है, वर्क हार्ड, ओनली टू वर्ड से बना। ठीक है, सो यू कैन मेक दीज सेंटेंसेस। थोड़ा सा याद करने की जरूरत है एंड इनकी हेल्प से आप सिमिलर सेंटेंसेस और भी बना सकते हो। सो व्यूअर्स, हमारी ये जो सेंटेंसेस हैं, ये हिंदी में बोलने में चाहे थोड़े लंबे लग रहे होंगे, बट इनकी इंग्लिश बहुत ही छोटे सेंटेंसेस हैं। ओनली हमने 3-4 वर्ड्स में ही पूरा सेंटेंस बना दिया है। हम ढूंढ के लेके आए हैं आपके लिए छोटे से छोटे सेंटेंसेस। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। यहाँ देखिए, ये लंबा सेंटेंस लग रहा है, बट इन इंग्लिश इट इज सेड वेरी सिंपली इन ओनली 3 वर्ड्स। टाइम हैज विंग्स। विंग्स यू नो, पर पंख, तो वक्त के पंख होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ना, वक्त टूट जाता है, जल्दी चला जाता है। वक्त सारे जग को भर देता है। ये देखो कितना लंबा है, बट यहाँ पे है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हीलर क्या, जो दवाई का काम करता है, जो ठीक कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं। इस मामले को दबा दो, हुश अप दिस मैटर। हुश में बोलते हैं ना चुप, तो ये मतलब चुप कर दो इस मैटर पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सुनी सुनाई बात है। इट इज हियरसे। कई बातें हमें चीजें आ जाती है ना, कि किसी ने कही, किसी ने कही। इट इज अ हियरसे, सो सिंपल, हियरसे मतलब ये यहां वहां की बात है। नेक्स्ट है, वह शायद आज आए। ही मे कम टुडे। मे जो है वो हम बहुत तरीकों से यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पे है शायद का काम कर रहा हूं, ही मे कम टुडे। सो व्यूअर्स, ये सेंटेंसेस बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और बहुत ही छोटे हैं, इजी हैं, सिंपल हैं। प्लीज़ प्लीज़ इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड मेक मच यूज ऑफ दिस सेंटेंसेस। ये आप अपना लोगे, आपके हो जाएंगे एंड यू विल इम्प्रेस अदर्स। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डेवलपमेंट, डेवलपिंग पर्सनैलिटी। Thank you. Please like, share and subscribe my channel.